नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपकी साथ पूजा शर्मा। सुधाकर सिंह ने अशब्दों का प्रयोग किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, जिसके बाद से जेडीयू के नेताओं में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है, काफी आक्रोशित है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को चिट्ठी लिखी है और सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की मांग की थी। आज वही जेडीयू के बिहार विधान परिषद के नेता रामेश्वर महतो की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अपने नेता की वजह से चुप है, इसका ये मतलब नहीं कि हमारे नेता को कोई कुछ भी कर जाए और हम बर्दाश्त करें। जिस तरीके से सुधाकर सिंह ने अशब्दों का प्रयोग किया है उससे हमें बहुत आहत है, हमारे कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। इसके लिए हम तेजस्वी यादव से आग्रह करेंगे कि वो सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करें। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं रामेश्वर महतो, पहले आप वो सुने। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी उनके पार्टी के विधायक हैं, हमारे माननीय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये बहुत निंदनीय है। और जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले हमारे जैसे लोग, ऐसे अशब्द भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग बहुत अपने नेता के द्वारा हमेशा ही हम लोगों को यही शिक्षा दीक्षा दी जाती है कि गलत नहीं बोलना है, संयम में रहना है। अंकुश समझे कि हम लोगों के पार्टी में हम लोगों को एक सिस्टम के तहत रहते हैं, हम लोग अशब्दों का प्रयोग कभी भी अपने विपक्षी और किसी के लिए नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारे नेता को कोई कुछ भी बोलते रहे और हम लोग सुनते रहे। नीतीश कुमार के मानने वाले लोग अगर अपने नेता के बातों को ना माने तो ऐसे लोगों का जो इस प्रकार से अशब्द का प्रयोग करते हैं, गांव का एक कहावत है कि हाथ में राख लगा के जवान खींच लेंगे, वो काम हो जाएगा। इसलिए उनको अपने शब्दों पे अभी भी अंकुश लगाना चाहिए और माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आग्रह करेंगे कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करें और ताकि इस तरह के बोलने वाले लोग समझ। देखा आपने, रामेश्वर महतो ने साफ तौर पर सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव से वो आग्रह करेंगे कि सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनके नेता के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उससे हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे और क्या कुछ कह रहे थे वो आपने देखा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।